वेलकम टू सुपर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 हिंदी बुक के कविता आओ मिलकर बचाओ के बारे में पढ़ेंगे। ये कविता निर्मला पुतुल जी ने लिखा है और बेसिक इस कविता में उन्होंने अपने समाज को यानी कि आदिवासी समाज को, संथाल परागना को झारखंड में जो है उसे बचाने की कोशिश की है और लोगों को प्रोत्साहित किया है। आइए आगे पढ़ते हैं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। कह रहे कि हमारी जो बस्ती है, इतनी सुंदर बस्ती, उसको नंगी होने से, मतलब कि खाली होने से, पेड़ पौधे कट जाने से, सब उजड़ जाने से बचाओ। शहर की आबो हवा, शहर का वातावरण यहाँ मत आने दो, उससे बचाओ ताकि शहर ना आ पाए। बचाओ डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। हड़िया बेसिकली वहाँ पे संथाल परागने के लोग हड़िया में ताड़ी, सुने हैं ना, ताड़ी पीते हैं, उसको बोल रहे हैं। उनका वो फेमस होता है, हर पर्व में वो लोग इसे करते हैं। तो वही बता रही हैं कि डूबने से बचाओ पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। हड़िया मतलब कि क्यों आज संथाल परागने के लोग पीछे हैं, यही सब की वजह से वो इसका इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताड़ी का, अल्कोहल, दारू बोल सकते हैं, कि उनके वजह, जिसके कारण उनकी बस्ती धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होते जा रही है, उनका दिमाग नष्ट होते जा रहा है, तो बस्ती नष्ट होते जा रही है। इसलिए बोल रही बचाओ हड़िया में। अपने चेहरे पर संथाल परागना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। अपने चेहरे पर संथाल परागना की जो माटी है उसे लगाओ, भाषा में झारखंडीपन लाओ, मतलब कि संथाली बोली, झारखंड की बोली, उसे लाओ। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। ये जो दिनचर्या तुम्हारी धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है, फीकी पड़ जाए, उसमें गर्माहट लाओ, जोश लाओ, उमंग लाओ, कुछ करने की चाहत लाओ। मन का हरापन, मन में खुशहाली लाओ। भोलापन दिल का, अक्कड़पन, जुझाड़ूपन भी, तुम्हारे जो दिल में भोलापन है, अक्कड़पन दिखाओ, जुझाड़ूपन भी। अक्कड़पन मतलब कि कोई भी चीज़ पे, एक चीज़ पे अड़िग हो जाना, और जुझाड़ूपन मतलब कि संघर्ष करना कोई भी चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद है, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजी हवा, नदियों का निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सोंधापन, फसलों की लहला। बता रही कि अपने भीतर के आग को धनुष की डोरी और तील के नुकीलापन से दिखाओ, कुल्हाड़ी की धार से दिखाओ, वो जंगल की ताज़ा हवा याद करो। कितना सुंदर जंगल है तुम्हारा, कितना सुंदर ताज़ा हवा आता है, नदी निर्मल होती है, एकदम साफ शीतल होती है, पहाड़ मौन रहता है, बिल्कुल शांति रहती है पहाड़ों में, हरियाली रहती है, गीतों की धुन आती है तुम्हारी, और मिट्टी का सोंधापन, मिट्टी का सुगंध आता है, और फसलों की लहलहाट, हरे हरे फसल की लहराते हैं हर जगह। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भरे कान। ये बता रही हैं उसी संथाल परागना, उनके इन्वायरमेंट, उनके पर्यावरण के बारे में, संथाल आदिवासियों के बारे में, कि तुम, वो लोग ऐसे भी खाली खाली रहते हैं, उनके लिए खुला आंगन है नाचने के लिए, गाने के लिए गीत है, हंसने के लिए थोड़ी सी बस खिलखिलाहट रहती है उनकी, और रोने के लिए मुट्ठी भरे कान, एकांत में जाके रो भी देते हैं। इतना खाली जगह, कितना सुनहरा दृश्य होता है, सोचिए, उन्हीं को बचाने के लिए कह रही है लेखिका। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी भरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। बच्चे मैदान में खेलते, अक्सर आप देखते हो, अगर आप संथाल परागना झारखंड में एक बार जाके देखिए, वहाँ पे संथाली को बस्ती देखिए, सब चीज़ मिलेगा। बच्चे मैदान में खेलते होंगे, पशु हरी भरी घास में चर रहे होंगे, खा रहे होंगे, बूढ़े पहाड़ों पर बैठे होंगे, पशुओं के साथ चरा रहे होंगे या कुछ सोच रहे होंगे। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, ये जो अविश्वास तुम दिखा रहे हो अपने प्रति, अपना समय, अपना हर कुछ नष्ट कर रहे हो, उस चीज़ को बचाओ। थोड़ा सा विश्वास दिखाओ, थोड़ा सा उम्मीद दिखाओ, थोड़े से सपने दिखाओ। आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अभी भी हमारे पास। आओ हम सब मिलकर बचाते हैं, अभी भी इस समय में भी बहुत कुछ बचा है हमारे पास बचाने के लिए। इसीलिए आओ, हम लोग नष्ट नहीं हुए, धीरे धीरे
आदिवासी जात को हम लोग आगे बढ़ाएं, झारखंड को आगे बढ़ाएं, पीछे नहीं होने दें। क्यों पीछे हो रहे हैं हम लोग? क्यों आदिवासी आज पीछे रह रहे हैं? उनका मुख्य कारण क्या है? गरीबी नहीं है, गरीबी तो है ही साथ में, उससे ज़्यादा उनका जो दारू पीने का, नशा करने का, इसके कारण वो पीछे होते जा रहे हैं। अगर वो नशा छोड़ दें, अपने समाज, अपने जाति के प्रति वो हों, अग्रसर हों, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी जाति को बचा सकते हैं, उनकी जाति को कोई नहीं नष्ट कर सकता। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, वो आप भी जान चुके हैं, इसलिए प्लीज़ कॉमेंट्स कीजिए। थैंक यू।